बातचीत और कांग्रेस की हार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी। मेनका जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आप सुल्तानपुर से। धन्यवाद मेनका जी। जिस ढंग से सुनामी कह रहे हैं लोग कि सुनामी आई है, इतनी सीटें जीती है बीजेपी द्वारा से, क्या वजह रही, क्या फैक्टर रहा उसके पीछे? एक तो 5 साल से हम लोग दो किस्म के काम कर रहे थे। एक तरफ से तो बड़े बड़े वेलफेयर स्कीम्स प्रधानमंत्री जी की वजह से लग रहे थे, और दूसरी तरफ से अमित शाह जी पूरे पार्टी को तैयार कर रहे थे, यहाँ तक कि बूथ प्रभारी, उनकी ट्रेनिंग, हर गांव में लोगों को बिछाना। तो जब तक इलेक्शन आया बीजेपी नीचे तक आ गई थी, और वो भी एक डिसिप्लिन तौर से। तो ये दोनों के गठबंधन से हम लोगों का गठबंधन अच्छा रहा। मेनका जी, कांग्रेस की हार, राहुल और प्रियंका, इस बार प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया था, महासचिव बनाया गया था, पूरा देश भर में कैंपेन किया, क्या आप समझती हैं कि राहुल और प्रियंका दोनों मिलकर के बहन भाइयों ने कैंपेन किया, उसके बाद भी बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की? उन्होंने कैंपेन में एक भी अकल की चीज़ नहीं उठाई, एक भी नहीं। ऐसे चीज़ों पर बोलते रहें जिससे गाँव वालों से कोई मतलब ही नहीं था, और केवल गाड़ी में बैठना और हाथ हिलाने से इलेक्शन तो नहीं बनता है। बैठो, सीधा राजनीति ठीक से करो, इलेक्शन को सीरियसली लो। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि बस चले हो और फूल एक दूसरे पर फेंको और हाथ हिलाओ, ऐसे नहीं होता। सवाल उठ रहे हैं कई तरीके से कि राहुल गांधी का क्या होगा, क्योंकि लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस, 2014 में, अब 2019 में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रही, अच्छी खराब हुई है सब पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो। राहुल गांधी ने जिम्मेवारी तो ले ली हार की, लेकिन आपको क्या लगता है अभी कि अब क्या नई लीडरशिप आनी चाहिए कांग्रेस में, राहुल प्रियंका ही कंटिन्यू करें? अब क्या मालूम उनकी पार्टी में क्या सोच है, लेकिन कांग्रेस की जो रेलेवेंस है वो अब ऑलमोस्ट शून्य है, और उनके जो ज़मीन पर जो फीट ऑन द ग्राउंड जिसको कहते हैं वो तो है ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में है ही नहीं। तो या तो कोई मुद्दा ढूंढे जिसके लिए वो जी रहे, क्योंकि पार्टी बिना मुद्दा के नहीं जी सकती, इनके पास मुद्दा भी तो नहीं है। लेकिन राहुल और प्रियंका के बारे में क्या सोचती हैं? मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं सोचती। कहते थे कि प्रियंका गांधी आएगी तो बहुत करिश्मा होगा, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की छवि उसमें दिखती है। मैं तो शुरू से कह रही थी ना कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हर इलेक्शन में जीता जाता है जब आप लोग ज़मीन पर हो, और लोग ज़मीन पर तब बनते हैं जब आपके पास कुछ है, नहीं तो ये दाल का छौका ही बन करके रहे, दाल किधर था? जोड़ी के बारे में क्या कहेंगे राहुल और प्रियंका की जोड़ी के बारे में? पूरा मैं क्यों बोलूँ, पूरे हिंदुस्तान ने बोल दिया। नहीं तो आगे क्या कांग्रेस, आपको लगता है कोई सवाल उठ रहे हैं उनकी जिस ढंग से लीडरशिप रही है कि अब आगे कांग्रेस का क्या भविष्य होगा? मैंने कहा ना कि कांग्रेस का भविष्य लोगों से ऊपर उठ करके अगर मुद्दों पर आ जाए तब शायद भविष्य होगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। इन दोनों की लीडरशिप में आगे कांग्रेस बढ़ सकती है आपको लगता है? उनकी कौन सी लीडरशिप है अभी, प्रियंका और राहुल दोनों? नहीं, सवाल वो नहीं है कि उनके लीडर हो या कुछ, उनके नीचे कौन है? कोई भी नहीं। तो हम घर में बैठ कर के लीडर हैं, मगर किस चीज़ के लीडर हैं? जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात की जा रही थी, प्रधानमंत्री कहना था, अमित शाह का कहना था कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स एक है कि परिवार के बीच में, इसलिए वो ख़त्म हो गई है। कोई, मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इतना मैं बोलूँगी कि कांग्रेस को मुद्दा की ज़रूरत है, एक वजह है जीने का। इस वक्त उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जब तक वो मुद्दा नहीं ढूंढेंगे तब तक ये पार्टी नहीं चल सकती। और लीडरशिप? वो लीडरशिप ही नहीं चलेगी, पार्टी नहीं चलेगी तो लीडरशिप कैसे चलेगी? देखिए, लीडरशिप में कोई आपत्ति नहीं, आप कह रही हैं कि मुद्दा नहीं है लीडरशिप। सवाल ये है कि आप लीडर भी बदलो, मुद्दा जब तक नहीं आएगा तब तक आप बदलते जाओ। मैं कहती हूँ पूरे हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं,